अस्सलाम वालेकुम बागवान दोस्तों, आज मैं डिस्ट्रिक्ट बखर में आया हूँ नुमान लियाकत भाई के पास। तो काफ़ी टाइम पहले मैं आया था, तकरीबन मई में लास्ट ईयर। तो मैं देख के गया था वैलेंशिया लेट पे फल। तो अभी इस साल फिर मेरा दोबारा प्रोग्राम बना है, क्योंकि जब से पका है ना वैलेंशिया लेट तैयार हुआ, रेडी टू क्योर खाने के काबिल हुआ, तब से मैं नहीं आ सका। तो आज नुमान भाई के पास आया हूँ वैलेंशिया लेट का। एक तो ये अभी सेल आउट कर रहे हैं, तो इनसे पूछा है कि आजकल करंट मार्केट रेट क्या है, और दूसरा पौधों के ऊपर जो फ्रूट की पोजीशन है वो क्या है। तो नुमान भाई, आजकल क्या रेट चल रहा है मंडी में वैलेंशिया लेट का? ज़्यादा इस टाइम जाली का तकरीबन 10 से 11 केजी की जाली है, तकरीबन 1400 से 1500 रुपये जाली का रेट। अच्छा, 10 से 11 किलो 1400 से 1500 रुपये। 1400 से 1500 रुपये किलो, तकरीबन 14, 4, 16 और 6000 रुपए के राउंड। 6000 रुपए के तकरीबन 6000 हाँ, एक मान तकरीबन 6000 के राउंड अबाउट है। और उसके साथ साथ आज डेट है ना 25 अप्रैल है, मेन चीज डेट है 25 अप्रैल के हिसाब से फ्रूट अभी मौजूद है पौधे के ऊपर। तो अभी हाँ, अभी दूसरा जो मैं देख रहा था, अभी ये देखें, अभी फ्रूट इसके ऊपर ग्रीनिश कलर का है ना, ये पौधा कमज़ोर है बेसिकली। अभी ये पौधा कमज़ोर है, उसके बावजूद देखें ये इसकी इनर साइड पे देखें फ्रूट नहीं, ये बहुत घना पौधा है और बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं है इसके अंदर वाली साइड पे। और बाहर से इन्होंने कटाई कर ली हुई है पौधों की, तो फ्रूटनिंग इसकी जो ज़्यादा है वो इनर साइड पर ही है। मतलब इसकी जो सबसे अच्छी मुझे खासियत लगी है ना, वो इसके अंदर ना जैसे मौसमी होता है ना, वो अंदर से फोका होता है, उसमें जूस ख़त्म हो जाता है, जब ये थोड़ी देर रिटेन कर लेना ना, रोक लें तो अंदर से फोका हो जाता है। अभी ये देखें, ये फुल इसका जूस कंटेंट है, इसमें इसमें जूस का बहुत ज़्यादा कंटेंट है। और थर्ड ये कि इसमें सीडलिंग भी बहुत कम होती है, एक या दो सीड होते हैं, नॉर्मली इसके अंदर सीड भी नहीं होते। अगर ये देखें तो ये देखें कितना जूस है, माशाल्लाह इतना ज़्यादा जूस ऑरेंज फैमिली में किसी में भी नहीं है जितना इसके अंदर जूस है। ये देखें, ये इस दफ़ा नुमान भाई तकरीबन एक पौधे से कितनी जालियां फ्रूट उतर जाती हैं, या कितने मन तक ये प्रोडक्शन दे जाता है एक पौधा? इतनी साइज का जो पौधा है जो पीछे खड़ा हुआ है, इसकी उम्र तकरीबन है 12 से 13 साल है। ठीक है, तकरीबन मैक्सिमम 12 से 13 जालियां आराम से निकाल लेते हैं। 13 जालियां और 4 से 12 3 से 4 मंथ तक एक पौधा प्रोडक्शन दे जाता है आराम से, ना ज्यादा भी है इससे। अच्छा, ज्यादा भी है इससे प्रोडक्शन। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इस जो मौसमी की इसके कंपैरेटिवली बाकी फैमिली है ना, उनमें फल कम होता है, मतलब जिस तरह इसके अंदर है। और दूसरा ये इसके अंदर जो फ्रूट का केरा होता है मौसमी शकरी के अंदर, तो बहुत ज्यादा होता केरा नहीं होता इसका, इसका केरा नहीं होता। सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी इसकी यही है, केरा नहीं होता इसका। और नुमान भाई, जो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है, और वैसे इस पर मैंने रिसर्च भी की थी थोड़ी सी, ये सिट्रस कैंकर भी इस पर ऐसा सच अटैक नहीं करता जैसे बाकी मौसमी शकरी या मौसमी धारीदार है, बहुत कम है अटैक। और थर्डली आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मुझे कि इनका लाइफ स्पैन पौधों का जो वैलेंशिया लेट का बाकी पौधों से ज़्यादा बेहतर है, जैसा कि इसके साथ इस बाग के अंदर ना इन्होंने एक और बाग भी अटैच किया हुआ है, इसी इन्हीं पौधों के साथ मिक्स मौसमी के पौधे हैं। ये दिखाइएगा भाई, ये देखें इनकी क्या पोजीशन है। जो मौसमी के पौधे हैं ना, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, फंगस का अटैक जो है ना मौसमी के ऊपर ज़्यादा होता है, जबकि वैलेंशिया लेट के ऊपर जो डिसीजेज का अटैक है वो भी बहुत कम है। और आगे इसी तरह ये वाला पौधा भी दिखाइएगा भाई, अगर ये देखेंगे ना ये वाला पौधा, तो इसके ऊपर भी देखें फंगस का अटैक हुआ है पुराने पौधे के ऊपर। तो जबकि वैलेंशिया लेट के जो पौधे हैं उनके ऊपर बीमारियों का अटैक बहुत कम है फंगल डिसीजेस के हवाले से अगर देखा जाए। ये साथ वाला ये पौधा भी दिखाएं, इधर से दिखा दे, कोई मसला नहीं है। तो मौसमी के पौधों के ऊपर डिसीजेस का अटैक, फंगल डिसीजेस का अटैक बहुत ज़्यादा है, जबकि वैलेंशिया लेट पर फंगल डिसीजेस भी नहीं है, और इसी तरह कैंकर से भी बड़ी प्रोटेक्शन है। थर्डली ये कि ये उस वक्त क्योर होता है जब मार्केट में ऐसे बाकी फ्रूट्स नहीं होते, जिस वजह से किसान को एक अच्छी प्राइस भी मिल जाती है। इसलिए अप्रैल और मार्च और अप्रैल दो ऐसे महीने हैं, यानी कि इस महीने में सिट्रस मौजूद है, मार्च में फिर होता है, अप्रैल में खत्म हो जाता है। हाँ, ख़त्म हो जाता है, स्टोर वाला भी नहीं होता। तो अभी अभी ये वाला अप्रैल का महीने में एंड पे, जब अप्रैल एंड आ जाएगा उसके बाद मेरा ख्याल आगे से वो आड़ू वगैरह पंजाब का शुरू हो जाएगा। तो बाकी पंजाब में ये एक बड़ा अच्छा
फ्रूट है और कामयाब फ्रूटनिंग है माशाल्लाह। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसका कोई कंपटीटर नहीं है फ्रूट के हवाले से मार्केट में, अगर इसको कास्ट किया जाए तो इससे एक अच्छी प्राइस गेन की जा सकती है। अनुमान भाई आप मुझे कैलकुलेशन बता रहे थे, एक एकड़ में हम अगर 180 पौधे लगा लें और सिर्फ 3 मन की एवरेज, जैसे आप बता रहे हैं 3 मन की एवरेज लगा ली जाए और 6,000 रुपये का पर प्लांट है प्रोडक्शन दे रहा है, 6 मन तक, सॉरी 6,000 रुपये मन प्रोडक्शन है और सिर्फ 3 मन की प्रोडक्शन हो तो 18,000 रुपये का तकरीबन एक पौधा जो है ना वो सेल होगा। 3,000 रुपये नॉर्मल लगा रहे हैं ना, ये तो इसका रेट बन गया ना, नॉर्मल इसका रेट 3,000 से कभी कम आया ही नहीं है, तो फिर भी इसका आप हिसाब लगाओ 10,000 का एक पौधा बन रहा है। एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन देने वाली वरायटी है जिसको किसानों को चाहिए कि आप मौसमी शक्री और धारीदार से थोड़ा सा निकल के, किन्नू से निकल के ना, कोई ऐसी वरायटियाँ कास्ट की जाएँ जो एक मार्केट में एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हूँ, क्योंकि इसके अंदर सीडलिंग बहुत कम है बाकी वरायटियों में, यह सीडलेस वरायटी है, एक या दो सीड्स मैक्सिमम आते हैं इसमें, तो इंटरनेशनल मार्केट की वरायटी है। और सेकंडली ये है कि उस वक्त ये क्योर होती है जब अदर वरायटियाँ नहीं होती, सीडलेस है, कहीं से एक आधा बीज निकलेगा बस, बाकी नहीं है। ठीक है नुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया, जजाकला।